व्यूज कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इफ यू लाइक द वीडियो देन थम्स अप कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिसकी वजह से आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। फॉलो करें इंस्टाग्राम चैनल को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक दफा फिर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के। अगर हमारे पास कैलकुलेटर ना हो तो हम क्यों किसी भी ऐसे दो नंबर्स का जो कि स्टार्ट हो रहे हैं वन से, तो किस तरह निकाल सकते हैं। इसके लिए आज आपको दो मेथड इजीली दो मेथड बताए जाएंगे, जिसकी वजह से आप इजीली कैलकुलेटर के बगैर क्यू किसी भी नंबर दो डिजिट नंबर्स का जो कि वन से स्टार्ट होते हैं मालूम कर सकते हैं। टू डिजिट नंबर्स विच स्टार्ट्स विद वन आर कौन कौन से हैं हमारे पास। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। फर्स्ट मेथड में फॉर एग्जांपल हमने हमारे पास जो टर्म हम जिसका हमने क्यूब लेना है, फॉर एग्जांपल हम वो कह लें कि वो हमारे पास है ए बी। फॉर एग्जांपल ए बी है, उसका क्यूब निकालना है, तो आपने ए को वैसे के वैसे लिख लेना है, फिर बी को वैसे का वैसे लिखना है, फिर बी का आपने स्क्वायर लेके लिख देना है और बी का क्यूब लेके लिख देना है। फिर नीचे दूसरी लाइन में जाना है और ए को मतलब कि ए के नीचे जीरो लिखते हैं या कैंसिल कर दें, क्रॉस लगा लें, और बी जो ऊपर था उसको डबल करना है 2b, और जो बी स्केयर ऊपर है उसको डबल कर देना है 2b स्केयर, और बी क्यूब को भी कैंसिल। अब जब ये टर्म्स आ जाएंगी तो टर्म्स ऊपर नीचे होंगी, तो इनको आपने एड एड कर देना है। ये ही एक ट्रिक बताई है, इसको आप मजीद समझने के लिए हम एग्जाम्पल पे जाते हैं कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है 12 का क्यूब है। तो पहले हमने लिख लिया क्या कहा था कि ए बी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टर्म है, उसका क्यूब निकालना है, तो ए को वैसे का वैसे ए लिख लेना, पहले लिख लिया ए जो कि वन है लिख लिया। अब टू, टू बी है, बी पहले कहा था बी लिखना है, फिर बी का स्केयर लिखना है, फिर बी का क्यूब, तो बी का स्केयर क्या है 4, बी का क्यूब क्या है 8, 2 का क्यूब 8। अब निचली लाइन पे जाए, 1 को कैंसिल कर दें, उसके नीचे 0 लिख दिया, जो ऊपर b था उसको हमने डबल कर दिया 2b, यानी कि 2 to the 4। अब ये जो b स्क्वायर उसको भी डबल कर दिया, यानी कि 2b स्क्वायर 8 और 8 के नीचे 0। अब सबको ऐड कर दिया, 8 आ गया, 4 8 12, 2 1 कैरी, 4 2 6 एंड 1 7 और 1। चेक कर सकते हैं कि यही आंसर है। इस तरह इजीली आप क्यूब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आप 13 का क्यूब निकालेंगे। 13 का क्यूब के लिए 1 वैसे का वैसे, 3 को फिर लिख लेना, फिर 3 का स्केयर 9, 3 का क्यूब 27, फिर निचली लाइन पर जाएंगे, 1 के नीचे ये कैंसिल, 3 को डबल 6, 9 को डबल 18, 27 के नीचे भी 0। अब जब हमने इन सबको ऐड किया, अब ये 27 था, 7 यहाँ रह जाएगा, 2 कैरी चले जाएगा, 9 2 11 11 और 18 29, 9 2 कैरी, 3 2 5 6 11 1 और 1 1 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 1 9 7। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 14 का क्यूब। 14 का क्यूब क्या, 1 यानी कि ए लिख लिया 1, बी लिख लिया 4, फिर बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 64, फिर बी का क्यूब 4 का क्यूब 64, फिर निचली लाइन पर चले गए, 1 के नीचे 0, 4 यानी कि 2b लिखना था तो 4 को डबल कर दिया, 4 2 8 और 16 32 और 64 के नीचे 0। अब तो सबको ऐड कर दिया, ये 64 था, 4 नीचे रह गया, 6 कैरी चले गया, 6 और 16 22 22 और 32, 22 और 32 54, 4 और 5 कैरी, 5
8 the 13, 4 17, 7 or 1 carry 112, 27, 44, 14 का क्यूब का आंसर आ गया. अब 15 का क्यूब है, 15 का क्यूब भी वैसे ही 1, 5 का स्क्वायर, पहले 5, फिर 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 1 के नीचे 0, 5 को डबल किया 10, 25 को डबल किया 50 और 125 0 वैसे का वैसे. अब 5 यहां रह जाएगा, 12 कैरी चले जाएगा, 12 50 और 25 75 12 87, 7 और 8 कैरी, 85 द 13, 13 और 10 23 3, वे यहां 2 कैरी 213. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 16 का क्यूब. 16 का क्यूब पहले 1 फिर 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216. हम नीचे गए, 1 के नीचे 0 यानी कि कैंसिल, 6 को डबल किया 12 आ गया, 36 को डबल किया 72 और 216 जे 0 कैंसिल. 6 21 कैरी चले गया, जब 21 कैरी चले गया, 21 कैरी जाएगा तो 72 और 21 कितना हो गया आपके पास 93 93, और 93 में 6 ऐड किया 99 99 और 30 129 9 और 12 कैरी चले गया, 12 और 12 24 24 और 6 30 0 3 1 3 आगे कैरी चले गया 3 1 4 0 9 6 आंसर आ गया. 17 का क्यूब निकालना है, 1 वैसे का वैसे 7, वैसे का वैसे 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 3 4 3 3 यहाँ रह गया, 34 कैरी चले गया, जब इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 181 1, यहाँ रह गया 18 कैरी चले गया, जब इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 39 9, यहाँ रहा और 3 कैरी चले गया तो 4 आंसर आ गया. तो इस तरह हमारे पास 17 का क्यूब 4913 आ गया और 16 का क्यूब 4096 आ गया. आगे है हमारे पास एज वी नो डेट कि a प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस सी. इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हमने निकालना है ए क्यूब, मतलब कि हमने जो भी टर्म का क्यूब निकालना है पहले ए क्यूब 3 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर और बी क्यूब, इन सबको आपस में इस तरह लिखना है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन मल्टीप्लाई करने नहीं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 12, 12 में a क्या है 1 और b क्या है 2. अब a का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1. अब 3 a स्क्वायर b, 3 a 1 और b हमारे पास क्या है 2, 2 3 द 6 आंसर आ गया. अब 3 a थर्ड टर्म निकालनी है, 3 a की जगह पर 1 पुट किया 3 आ गया मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 3 द 12 और b का क्यूब 2 का क्यूब किसके इक्वल आता है 8 के. अब 8 वैसे आ जाएगा 12 है, 2 यहां रह जाएगा, 1 आगे चले जाएगा 6 और 17 और 1728 आंसर आ जाएगा. अब 13 का क्यूब भी वैसे निकालना है, पहले a का क्यूब 1 आ जाएगा 3 a स्क्वायर b यानी कि 3 a की जगह पर 1 का स्क्वायर और 3 3 3 द 9 फिर 3 a b स्क्वायर फिर 3 a की जगह पर 1 और b की स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 3 द 9 और 9 3 द 27 और 3 का क्यूब निकालेंगे तो 27. अब 7 वैसे रह जाएगा, 2 आगे कैरी चले गया 9 आ जाएगा, 2 आगे चले जाएगा 1 1 आगे चले गया 2 2 1 9 7. 14 का क्यूब निकालेंगे 1 3 4 द 12, 3 4 किस तरह आया कि हमारे पास 3 a स्क्वायर b था, a 1 था और b हमारे पास 4, 3 4 द 12 आ गया. अब 3 a b स्क्वायर 3 1 द 3 और 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 48 आंसर आ गया और 4 का क्यूब 64, 4 वैसे रह जाएगा, 6 आगे जाएगा 54 आ जाएगा, 4 5 कैरी चले जाएगा 17, 7 और 1 कैरी चले गया 2, 2 7 4 4 आंसर आ गया. आपने निकाल लेनी है
values, 15 की, 16 का क्यूब की, 17 के क्यूब की, 18 के क्यूब की और 19 के क्यूब की. 15 का क्यूब निकालेंगे 3a² b, यानी कि उसमें वैल्यूज पुट की 15 आंसर आ गया, 3ab² में वैल्यूज पुट की 75 आ गया आंसर, और 5 का क्यूब लिया 125 आ गया. तो 5 यहां रहा, 12 कैरी चले गया 87, 7 और 8 कैरी चले गया 23, 3 और 2 1 3, 3 3 7 5. 16 का क्यूब निकालेंगे 1 a का स्क्वायर, a का क्यूब, 3a² b वैल्यूज पुट की 18, 3ab² में वैल्यूज पुट की 108 और b का क्यूब 216, आंसर 621 कैरी चला गया 129, 9 और 12 कैरी चला गया 30, 0 3 कैरी और 314, 40 आपके पास आंसर आ गया. इसी तरह आपने 17 का क्यूब निकाल लेना है, इसको सिंपलीफाई करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1, पहले a का क्यूब 1, 3a² b 21, 3ab² 147 एंड b का क्यूब 343, 3 यहां 34 कैरी चले जाएगा, जब 34 कैरी जाएगा तो 181 आंसर आएगा, 1 और 18 कैरी चले जाएगा 39 आंसर आ जाएगा, 9 और 3 1 4. इसी तरह आपके पास 18 का क्यूब भी निकालेंगे, जो के वैल्यू सिंपलीफाई करके 124 192 512 आ जाएगी, 2 यहां रहेगा, 51 कैरी चले जाएगा, जब 51 कैरी जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा, 51 को जब 192 में ऐड करें तो 3 5 9 14 4 1 2 4 3 24 24 और 24 ऐड किए 48, 8 और 4 कैरी चला गया 5 8 3 2. इसी तरह आपने 19 का क्यूब निकाल लिया, उसको सिंपलीफाई किया, e का क्यूब 1, 3a² b 27, 3ab² 243 और b का क्यूब यानी कि 9 का क्यूब 729, 9 यहां रहेगा, 72 आगे चले जाएगा तो आंसर आएगा 315, 5 यहां रहा, 31 कैरी चले गया तो आंसर आए 58, 8 यहां रहा और 5 कैरी चले गया तो 50, 51 66 8 59 आपके पास आंसर आ गया. लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब. अपनी दुआ में जरूर याद रखिए, प्यारों का ख्याल रखिए. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.